लोग बाग जो पौवा पी के जो पौवा जो होता है उसको पी के फेंक जाते, उसमें बच जाती है, उसमें से झूठी उनको इकट्ठी कर करके करके फिर शाम को उसको पीता है। इतना कचरा भी नहीं बीन पाता ये कि जिससे दो वक्त की अपनी रोटी भी खा सके। 15 दिन से जो नहाए नहीं थे, नहाने के लिए उनको पानी नहीं मिलता था, और अब हम हमारी सम्मति के सभी सदस्यों ने मिलकर, जय श्री बांकी बिहारी सेवा सम्मति के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको नहलाया है शैम्पू से और सारे कपड़े पहने। अभी आए हो, पहला दिन ही है आज? हाँ, बस आते हैं। कैसा खाना है इनका? अच्छा है। आपका नाम क्या है? संजू। आप कितने दिन से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हो भाई साहब यहाँ पे? महीना भर हो गया। कैसा भोजन है यहाँ का? बिल्कुल। कितना खिलाते हैं, भरपेट खिलाते हैं या कुछ इसकी लिमिट है? नहीं, भरपेट। साथ में अचार दिया। आपका अंकल नाम क्या है? मेरा नाम देवेश सिंह है। देवेश सिंह जी, अकाउंट कितने रोटियों का संग्रह हो जाता है आपके पास? 700 करीब रोटी, 700 से 750 रोटियों का इंतजाम होता है जी, और 250 से 300 आदमियों को हम जी प्रसादी देते हैं। रोटियां हमारी सब जगह से इकट्ठी होती है और सब्जी संस्था की तरफ से दी जाती है। डेली अलग अलग सब्जी होती है, भरपेट भोजन खिलाया जाता है। 200 से 250 से 300 भी आदमी हो जाता है किसी के दिन। सब प्रभु की माया है। ये सदस्य गण है हमारे, सब एम सिंह जी हैं, सभी के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। रोटियों का कलेक्शन हमारा 21 जगह पे, बाकी रोटियां एक ही जगह पे थी। अच्छा, अभी हमारे कुमेर गेट पे सामुदायिक भवन पे ही रोटियां वितरण की जाती है। अभी दूसरा सेंटर भी खोलने की तैयारी में। हमारी जो सामुदायिक वन पर फ्रिज रोटी चल रही है, रेशन भोजन चल रहा है रोटी बैंक में, ये हमारे पास भाई खाना खाते आते जब मेरे को कल ऐसे लगा कुछ कहने के, ये भाई बहुत दुखी है। कल मैंने इसको पूछा था कि आपका क्या नाम है, किस समाज से है, तो इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, ओझा मेरा गोत्र है और मेरे को भाइयों ने निकाल दिया है। बड़ा दुख हुआ, ब्राह्मण समाज का भाई कचरा बिन रहा है। तो आज हम पूरे समर टीम के साथियों ने नेतृत्व लिया है, घर से निकाल दिया बेचारा, कचरा बीनता है। आज इसको मैं गाड़ी फाड़ी बनवा के इसकी पूरी नवला ला के इसको भी हम काम पे लगवाएंगे। इसका जो कचरा बीनने का कार्यक्रम है वो है, ये बिल्कुल इसको बंद करवा के ये बताते हैं कि मैं फैक्ट्री में, लोकल फैक्ट्री में काम करता था, मुझे निकाला है और वहाँ से मुझे मेरे को हटा दिया है। लेकिन मैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मिश्रा जी हम टीम के साथी, कि इसको कहीं ना कहीं हम फैक्ट्री में काम भी दिलवाएं, जिससे ये कचरा बीना बंद करके अपना सर उठा करके अपना जीवन यापन कर सके। आज हम इसको पूरा नहला धुला करके, नए वस्त्र पहना करके, शेविंग वगैरह करवा करके इसको पुनः इसके पूर्ण रूप से पहले जैसा बंदा था। ये हमारा नाम क्या है आपका? निशांत शर्मा इसका नाम है। और आज हम यहाँ इसको नहला धुला करके, नए कपड़े पहना करके इसको पूर्ण रूप से पहले जाली स्थिति में लेके आ रहे हैं और जल्दी ही इसको पुनः फैक्ट्री में हम काम करवाएंगे। मिश्रा जी से मैंने बात की, मेरी टीम के साथियों से बात की है, सभी से, तो हम प्रयास करेंगे भाइयों के माध्यम से। देखो जिस तरह समाज में हमारे इस तरह के नौजवान बिना काम के भटके हुए और ऐसे भटके नौजवान नशे के आदि हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इसको एक बार पूछें कि क्या परेशानी है, और हम प्रयास करें, निश्चित नहीं है, प्रयास करें, अगर परेशानी दूर कर सकते तो करें, बस यही है मेरा सबसे गुजारिश है। फिर देखिए नहलाते हैं इनको, नहला धुला के शेविंग करवाएंगे, शेविंग करवा के नए कपड़ा पहनाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे। खाना तो खाने रोजाना आते हैं और हमारे जो मित्र मिश्रा जी बताएंगे जो भी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, अब फिर लास्ट में क्या होता है कि वो लोग जाकर फिर कूड़ा लगते हैं या कोई गलत काम बनाने को देते हैं, नशे के आदि हो जाते हैं। कल तो कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ कि ये बच्चा किसी अच्छे घर से है, जब बात करी तो मालूम पड़ा कि नाम निशांत शर्मा है और मुखर्जी नगर रहते हैं, भाइयों ने घर से निकाल दिया,
तो बड़ा अटपटा सा लगा। तो आज ये कि पहले तो इनकी स्थिति सही करते हैं अपन, उसके बाद में इनके घर पर जाएंगे, इनके घर वालों से बात करेंगे कि भाई ऐसे घर से कैसे निकाल दिया, और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और यदि कोई लीगल कोई बात भी आती है उस पर भी हम भैया का सहयोग करेंगे पूरा पूरा। फैक्ट्री में लगवा दूंगा, ये कचरा पीना बंद करेगा तू है, और तेरा कपड़ा खाना पीना वो जिम्मेदारी सब क्या कुछ मतलब इसकी इसको कचरा पीना बंद करवाएंगे इसका, और मैं कहीं फैक्ट्री में लगवा दूंगा इसको, जो अपना बेचारा बढ़िया जीवन यापन करेगा। ये इसके भाइयों ने इसको निकाल दिया है, हम इसके भाइयों से बात करेंगे इसको क्यों निकाला, क्या बात है, ठीक है ना। पहले भाइयों से बात करते हैं, चिंता मत करे, तुम रोए मत, आप भी करोगे है ना। अरे यार हम दोनों बिल्कुल चलेंगे। लो भैया खाना दो इनको, खाना दो है, खाना खिलवाएंगे। हाँ भैया, ये आप कितने टाइम से खाना खा रहे हो यहाँ पे? अभी आया हूँ, दो चार दिन में। दो चार दिन से? अच्छा, अच्छा खाना है। तो आप बाकी भारी सेमा रोटी बैंक से समिति से खुश हो भाई साहब? बहुत खुश। अच्छा, रिक्शा चलाते हो आपका रिक्शा ये? तो देख सकते हो भाई साहब, ये ऑडियंस, ये रिक्शा वाले हमारे भैया हैं, ये रोटी प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो इनसे बात करके हमको खुशी हुई। अभी आए हो? पहला दिन ही है आज? पहला दिन ही है आज? बस आते ही। अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? अच्छा, तो खाना कैसा कैसा आ रहा है इसका, मतलब कैसा खाना है इनका? अच्छा है? अच्छा, लागत बढ़िया लगा रहे हैं खाने में फुल। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? संजू। संजू, कहाँ पे रहते हो आप? नमक कटरा में। आप कितने दिन से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हो भाई साहब यहाँ पे? महीना भर हो गया। अच्छा, कैसा भोजन है यहाँ का? बिल्कुल। कितना खिलाते हैं, भरपेट खिलाते हैं या कुछ इसकी लिमिट है? नहीं, भरपेट। अच्छा, मतलब बाकी भारी सेवा टेस्ट पास है। ओके। नशा बिल्कुल छोड़ दूंगा। और आप, आपको आश्चर्य होगा कि ये भाई हाथ के कारीगर हैं, बोतल जो फैक्ट्री में रोजाना 400 रुपये रोज कमाते हैं, कमाते थे। मिलकर इसको नहलाया है शैम्पू से, और सारे कपड़े पहनाए इनको, और देखिए अब ये दूल्हा सा निकल आए हैं। अब इनको हमारी सम्मति के माध्यम से इनको काम दिलवाने का प्रयास करेंगे। और आपकी नजर में ऐसे कहीं दिन दुखी हो, हमारी सम्मति को बताइए, हमारी सम्मति पूरा सहयोग करेगी। हमारी सम्मति के माध्यम से जो निशुल्क रोटी बैंक चलाई जा रही है, जहां प्रयोजनों को निशुल्क भोजन कराया जाता है, आप लोगों से दो दो रोटी मांग करके हम यहाँ खाना खिलाते हैं। ऐसे प्रभुजन किसी की नजर में आए, परेशान हो घर और इनका कोई ना हो, हमारी सम्मति को बताइए, जिसका कोई नहीं उसका मेरे बांके बिहारी होगा। हमारे, मैं जयप्रकाश गोयन का संस्थापक अध्यक्ष जयश्री बांकी बिहारी सेवा समिति के पूरी तमाम टीम के साथ मैं आज इसका, निशांत शर्मा का हमारी समिति में बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, है ना। और जरा, और देखिए बड़ा दुखी है ये व्यक्ति, अब इसको खाना खिलाएंगे, और खाना खिला के मैं दो चार रोज में हमारी किसी भी कहीं भी फैक्ट्री में अगर काम मिलता है इसको हम काम दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करी जाए। भोजन प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है पूरे भरतपुर से, इस समय हमारे पास लगभग 700-750 रोटियां आ रही हैं, जो प्रभुजनों के लिए हमारे सभी सदस्य मिलकर खिलाते हैं, यहाँ पर प्रेम से बैठकर खिलाते हैं। आने वाले समय में
हमारी सामुदायिक भवन के अंदर बैठ के पूरा पंगत लगा के खिलाया जाएगा खाना, कि बरसात आने वाली है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए और दो रोटी अपने घर से हमें दीजिए। हम लोग इन लोगों के लिए भिक्षा मांगते हैं। हमारे सभी से टीम के साथी आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि दो रोटी आप हमें दीजिए, जिससे आपके द्वारा दो रोटी दी जाएंगी, हम ऐसे प्रयोजनों का पेट भर सकें। राधे राधे, जय श्री राधे।